कोरोना को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग सभी अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं कि आम जन स्वस्थ रहें। देश और दुनिया इस कोरोना वायरस से जल्द मुक्त हो और पुनः अपने अपने स्तर पर लोग कार्य में जुटे। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, मास्क लगाते नहीं और बेपरवाह होकर सड़क पर घूमते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर जिलों की नगरी उदयपुर के हम सीन दिखा रहे हैं और हर इलाके में हम घूमे हैं। पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस प्रशासन चुस्त दुस्त व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग लगाकर ये हाथीपोल चौराया है जहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। हर आने और जाने वाले मार्ग पर पुलिस सख्ती से पहरा दे रही है और पूछताछ कर रही है जो भी आ रहा या जा रहा है कि बेवजह कोई बाहर नहीं निकले। जो जिसकी आपातकालीन ड्यूटी लग रही है वो ही बाहर आ जा सके और बाहर घरों से जो निकल रहे हैं उन्हें विनयपूर्वक पुलिस प्रशासन द्वारा समझाया जा रहा है कि वो अपनी ही नहीं औरों की भी भलाई समझे और घरों में ही रहे, पूरी तरह से सावधानी बरते और राज्य और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिए जाने वाले नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनकी पालना करें जिससे खुद भी स्वस्थ रह सके और देश और दुनिया के लोग सभी स्वस्थ रह सके। इसी से कोरोना की महामारी खत्म हो सकेगी। बचाव ही एक उपाय है, सभी पालना करें। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, पुलिस का यह प्रचलित स्लोगन है। लेकिन अब इसके साथ आम जन के स्वास्थ्य के लिए भी पुलिस चिंता कर रही है और अपने मोर्चे पर डटी है। फिर भी आज पुलिस परेशान है। क्या है पुलिस की परेशानी, आप भी सुने। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रूप से खड़े हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो, किसी के साथ में लापरवाही नहीं करे लोग, और पूरी तरह से विनय पूर्वक लोगों को समझाया जा रहा है। फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, वो बेपरवाह होके लापरवाह होके खुद की जान भी सांसद में डालते हैं और दूसरे की जान पे भी वो खेलना चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ पुलिसकर्मी हैं जो चेक पोस्ट पे लगे हुए डटे हुए हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य सेवा दे रहे हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है और किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह की लापरवाही लोग कर रहे हैं, जी बताएं। आप मास्क लगाइए, आपकी सुरक्षा है ये और हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और कृपया करके आप घर में रहें और रोड पर ना आए, आपकी आवश्यकता की सामग्री खरीदें और एक एक करके घर में चले जाए। पुलिस प्रशासन है जो अब तक बाहरी रूप से सुरक्षा करता आया है, लेकिन अब आंतरिक रूप से भी सुरक्षा की चिंता पुलिस प्रशासन को है और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सुरक्षा के साथ में कि उनकी जान बचे और औरों की भी जान को वे बचाए। जागरूकता सभी में हो और औरों को भी जागरूक करे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। इस महामारी से लड़ने के लिए सभी योद्धा बने और महायुद्ध में विजयश्री प्राप्त करें। किसी रण में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घरों में ही रहकर विजयश्री प्राप्त करें। आप देख रहे हैं ये चिकित्सा कर्मी क्या कह रहे हैं। क्या का नाम पूछ रहे हैं, उनकी एज पूछ रहे हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, किसी को सर्दी जुकाम बुखार कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ तो नहीं है, अगर आया है तो कहाँ से आया हुआ है, नाम एड्रेस मोबाइल नंबर सारा ले रहे हैं उनका। कब आया बाहर से,
तो उसके लिए बीमार है तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, तो नहीं दिखाया तो डॉक्टर को दिखाए, घर से बाहर नहीं निकले, बार बार हाथ साबुन से धोए। स्थानीय अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी यही अपील कर रहे हैं कि आम जन अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, नगर के स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए और देश और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए अपना अहम योगदान दे। हर तरफ से अपील यही आ रही है। ये इम्तिहान की घड़ी है सभी के लिए, सभी सजग हो जाएं और अपने घरों में रहे, देश हित के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए एक सतर्कता आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाएगी और सभी के मार्ग प्रशस्त करेगी। देश के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व के उज्जवल भविष्य के लिए अपना अहम योगदान दें सभी। पुलिस हर चौराहे, हर मार्ग पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये सेलिब्रेशन मॉल, जहां हर वक्त भीड़ लगी रहती है। यहां जगह भी नहीं मिलती पार्किंग के लिए, लेकिन आज पूरी तरह से ये वीरान दिखाई दे रहा है, सुनसान दिखाई दे रहा है। और ये नज़ारे सब्जी मंडी मार्ग के हैं, जहां पर सब्जी विक्रेता अलग अलग जगह बैठकर दूरी बनाए हुए सब्जी का विपणन कर रहे हैं। लोग सुरक्षा के साथ सब्जी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। पूरी तरह से सुरक्षित होकर आगे अपना कार्य करना है और सब्जी के साथ अन्य सामग्री का भी वितरण करना है। कोई भी संक्रमित न हो और सभी का बचाव हो। जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने साथ देश और दुनिया के आम जन को भी स्वस्थ बनाएं।